हाय फ्रेंड, मैं संध्या और आप लोग कैसे, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं जैसे कि ज्यादा बातें नहीं कर रही हूँ, वीडियो को डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि आप टाइटल पढ़ के जान गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाली, कौन सा प्रोडक्ट किसमें आपको लेना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट किसमें अच्छा मिलता है, तो ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए, मैं ज्यादा बातें नहीं कर रही, वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये मैंने प्रोडक्ट मंगाया था मीशो से, जो कि था गुड वाइब्स का। तो आप सब जानते हैं गुड वाइब्स का प्रोडक्ट नंबर एक का प्रोडक्ट रहता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है। मेरे आप वीडियो में भी देखते होंगे, मैं गुड वाइब्स का प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा यूज करती हूँ अपने मेकअप में। तो ये मैंने मंगाया था मीशो से, जो कि ये मेरे पास सीरम नहीं था, मैंने मीशो से ऑर्डर कर दिया था। मैंने कहा सीरम नहीं तो खाली मैं सीरम मंगा ले रही हूँ और बाकी मेरे पास प्रोडक्ट थे, तो ये मुझे सीरम एक भी पसंद नहीं आया मीशो का। मुझे फर्स्ट टाइम मीशो का प्रोडक्ट गुड वाइब्स का नहीं अच्छा लगा। सीरम का मतलब क्या होता है, ऑयल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल लिक्विड जो इसका है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो लिक्विड मैं आप लोगों को खोल के दिखा दे रही हूँ, क्या आप मुझे बताइए इसका लिक्विड ऐसा रहता है क्या, हम जब इसे अप्लाई करते अपने फेस में तो इसका ऐसा। देखिए, अब मैं इसको अपने फिंगर से लगा रही हूँ, देखना बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल सूख जाएगा जैसे पानी होता है, बिल्कुल बिल्कुल भी ऑयल नाम की चीज नहीं। मुझे ये प्रोडक्ट मीशो का अच्छा नहीं लगा, जो मैंने मीशो से ये गुड वाइब्स का प्रोडक्ट मीशो में मुझे पसंद नहीं आया। जो काफ़ी लोग होते हैं कि कह देते हैं कि हमें गुड वाइब्स का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, मुझे तो लगता है ऐसे ही मतलब ऑर्डर कर देते हैं, इसलिए उनको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलता। ये देखिए, मैं बात भी करती जा रही हूँ, आपको दिखा दूँगा, बिल्कुल देखिए लग रहा है ये। अभी थोड़ा सा और इसको मैं रहने देती हूँ। तो ये मुझे पसंद नहीं आया जो ये मैंने सीरम मंगाया था, इसलिए मैंने खाली सीरम मंगाया था। तो मैंने पलपल से फिर ऑर्डर किया, क्योंकि मैं हमेशा पलपल से ही मंगाती हूँ गुड वाइब्स के प्रोडक्ट। और मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से मतलब गुड वाइब्स का मंगाया, मैंने काफ़ी प्रोडक्ट मंगाए गुड वाइब्स मतलब मीशो से, मुझे काफ़ी पसंद आया मीशो का प्रोडक्ट, लेकिन गुड वाइब्स का प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। और जो मैंने पलपल से मंगाया मैं उसको दिखाती हूँ। तो ये मैंने पलपल से मंगाया, इसको मैंने ओपन कर दिया था क्योंकि खोलने में थोड़ा लेट हो जाता है, और जो अंदर इसके सामान है मैंने उसको ओपन नहीं निकाला। तो इसको मुझे ऐसे रिसीव हुआ था, मुझे पैकिंग से लग गया था कि मुझे पसंद नहीं आया। तो अब पलपल में क्या है कि कोई भी सामान जब तक आप 500 तक का नहीं ऑर्डर करेंगे तो घर नहीं आएगा, ये तो सब जानते हैं अगर आप ऑर्डर करते हैं। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मंगा लिए थे, जो मेरे पास थे भी तब भी मैंने मंगा लिया था। तो मुझे सबसे पहले मैंने ये मंगाया था गुड वाइब्स का बादाम वाला क्रीम, मतलब 30 ml का ये बादाम गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल, ये मुझे ओरिजिनल पलपल में लगता है। पलपल में आप प्रोडक्ट गुड वाइब्स के नंबर एक के प्रोडक्ट पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा बाकी और कोई उसमें गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पलपल के अलावा अच्छे मिलते हैं। तो ये मैंने मंगाया था, तो मैं इसको भी अभी खोल के आप लोगों को ओपन करके दिखाऊंगी। फिर मैंने इसके साथ याला मंगाया था, ये भी गुड वाइब्स का क्रीम है, डे क्रीम है। बाद मुझे ये दोनों के साथ ये साथ में मिला, जो कि मार्क्स था। तो ये मैंने 3 प्रोडक्ट पलपल से मंगाए हैं, जो कि मुझे ओरिजिनल लगे, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पलपल में मुझे ओरिजिनल लगे। तो इसको मैंने ओपन नहीं किया, तो चलिए फटाक से मैं ओपन भी कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ओपन कर लिया, अब इसको खोल दिया। अब आप इसका लिक्विड देखिए, बिल्कुल ऑयल है। अब मैं निकाल, अब देखिए जो मैंने उस टाइम अप्लाई किया था, तो ये लग रहा है कहीं से, ये लग रहा है कि कहीं से ये सीरम है, बिल्कुल ड्राई हो गया, मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये जो मैंने पलपल से मंगाया है, ये इसका लिक्विड देखिए, ये देखिए इसका लिक्विड ऐसा है, और उसका लिक्विड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे उसका जो लिक्विड है वो देख के ही पता चल गया था कि वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, गुड वाइब्स का प्रोडक्ट ये ओरिजिनल ना। ये देखिए, ऐसी लिक्विड होना चाहिए गुड वाइब्स के प्रोडक्ट का, जो हम सीरम मंगाते हैं ऑयल मंगाते हैं उसका लिक्विड ऐसा होना चाहिए। इसकी जो बॉटल है वो कांच की है, उसकी बॉटल प्लास्टिक की है जो मैंने मीशो से यूज की। तो ये ओरिजिनल गुड वाइब्स का मुझे लगा। मैं हमेशा गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पलपल से ही ऑर्डर करती हूँ, तो इसलिए आप भी पलपल से ही गुड वाइब्स के प्रोडक्ट लीजिए। ये देखिए, अगर इसको हम लगाते हैं तो इससे देखिए ये ऐसा है, और बहुत ही अच्छा है। इसकी जो वो है बॉटल बहुत ही अच्छी है, और ये देख सकते हैं इसकी क्रीम ऐसी है।
वो भी दिखा दी क्रीम भी, और ये तो यूज कर लूंगी मैं मास्क। तो ये था अंतर गुड वाइब्स के प्रोडक्ट में, मीशू में और पलपल में। तो पलपल से गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसलिए मुझे पलपल से ज़्यादा अच्छा लगा इसका जो खरीदना लेना ऑर्डर करना। मीशू से तो मुझे नहीं अच्छा लगा गुड वाइब्स के प्रोडक्ट। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा जरूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा ये वीडियो। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय।